कि आज मैं थोड़ी सी मुद्दत बता दूं कि कल को जो हमारी गिरफ्तारी हुई हाथ हटा यार कम से कम हमें कोई बता दिया कि कौन सा जुर्म सरजद हुआ है हमें ले गए सेक्रेटेरिएट थाने वहाँ पे एम एन जुबेर साहब को भी बाद में लाए थे लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई और वहाँ पुलिस जो है उन्होंने रात को सोने के लिए हमें 2 बजे हमारी डिमांड पे हमें कुछ चटाइयाँ दी लेकिन 4 बजे उन्होंने फिर उठाया और हमें ले गए सेक्रेटेरिएट में जाके मुलाकात जोर साहब से शोएब साइन साहब से हमारे आमिर डोगर साहब और ये जितने और एम एन ए साहिबान हैं सुबह जो है फिर हमें इलम नहीं था कि बाहर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अली अमीन खान का भी हमें सुनी सुनाई खबर मिली कि उनके साथ भी ये वाकयात हुए हैं। बहरहाल पूरी कौम को ये 2 बातें बताना चाहता हूँ कि हद कर दी है इन लोगों ने, बेशर्मी की भी एक हद होती है ना, इनको कोई कानून का पास है ना कोई लिहाज है ना आर्टिकल 14 के तहत कोई एहतराम आदमियत का हक है पाकिस्तानी। जिस तरीके से ये लोगों को खींचते हैं फिर पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट के सामने और कैमरों के सामने इनको हया ही नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो ये करते फिरे। और सबसे बड़ा गिला मेरा जो बनता है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बनता है। अगर इनके जज साहिबान जो महताब जज साहिबान है धड़ाधड़ इस तरह रिमांड न दें, गलत केसों पर चेक रखें, यहाँ पुलिस की केस दर्ज करने की देर है, बाकी काम जज साहिबान खुद उठा लेते हैं और हर वक्त अभी ये जो पर्चा दिया है आप लोग शायद अदालत में कार्रवाई में मौजूद थे, इल्जाम है कि जी अली अमीन खान ने DSP की कंपनी पे क्लाशन कोप रखी जलसागा में स्टेज पर और मैंने किसी के कपड़े पाड़े, शेख साइन साहब पिस्तौल निकाल के उसने किसी तानेदार की कंपनी पे रखी और यूं सबको। अब असला इतने 6 घंटे 7 घंटे का जलसा था, कोई एक असला किसी ने देखा, कोई लाठी किसी ने देखी और ये तजीरात पाकिस्तान का दफा 193 ये पुलिस वालों के लिए सजा मुकर्रर करता है कि अगर ये किसी पर गलत केस बनाएंगे तो उतनी सजा उनको होगी जितनी सजा वो उस जुर्म की उस मुल्तिम को दिलाना चाहते हैं। आईजी इस्लामाबाद ये मजिस्ट्रेट और ये पुलिस वाले जो इस केस में फर्जी जेली गवाह बने हैं, मैं ऐलान करता हूं कि हम इनके खिलाफ 193 का इस्तेगासा दायर कर रहे हैं और साबित नहीं कर सके आईजी साहब जिधर भी हो गए इधर ट्रायल बुक तो की और इंशाल्लाह तुम्हें सजा दिलवा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा ये कहा जा रहा है मुद्दा ही बनेंगे असेंबली पर तशद्दुद भी किया गया है, बात सुने पुलिस वालों का ये जो इधर हमारे साथ है इन भाइयों का रवैया मुनासिब है तो लिहाजा हम ताउन कर रहे हैं इनके साथ, कोई और बात तो नहीं। अच्छा घबराने को हमें असेंबली पर तशद्दुद किया गया क्या ऐसा भी हुआ? एक हमारे जग्गड़ साहब पे तशद्दुद हुआ है और अहमद चड्ढा साहब जो है के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है रिहा कर दिया गया है, ऐसा मरवत यहाँ पर मौजूद है हाथ हिला रहे हैं आगे नहीं जाते मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं बहुत मनाजर है साथ ATC के बाहर आप मौजूद हैं और यहाँ पर शेर अफजल मरवत गाड़ी में बैठा कर उनको यहाँ से वापस जा रहे हैं रिहा कर दिया गया है, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है शेर अफजल मरवत को गुज़श्ता रोज उनको गिरफ्तार किया गया था पार्लियामेंट के बाहर से